जबलपुर की बरेला थाना पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन से 72 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और बरेला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरेला हाईवे में नरसिंह मंदिर के पास से एक बलेरो गाड़ी में कुछ लोग मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और बरेला थाना पुलिस ने घेराबंदी करते हुए वाहन को रोका, जिसमें पुलिस को प्लास्टिक की बोरियों में 72 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। वहीं पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एडिशनल SP संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने उड़ीसा से गांजा लाना कबूल लिया है। गांजा कहां बेचा जाना था, इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है। थाना बरेला में आज एक कायमी की गई है NDPS एक्ट के अंतर्गत, इसमें 72 किलो गांजा पकड़ा गया है और एक वाहन पकड़ा गया है। इस वाहन में ड्राइवर सहित 2 व्यक्ति सवार थे, इसमें एक व्यक्ति जो आरोपी है कटनी का है और 2 यहाँ स्थानीय जबलपुर के हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।